उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बातें हो जी, तब भी अपर्णा यादव का नाम सामने नहीं आता जी। तो कई ऐसी वजह है, कई ऐसे कारण है जहाँ पर ये लगता है कि अपर्णा यादव के लिए शायद बीजेपी ने अपनी कोई रणनीति बनाई नहीं, बीजेपी ने कोई अपना फैसला किया नहीं उनको लेकर। यही वजह कि अब तक जो कह सकते हैं कि दर्जा मिलना चाहिए जी, अपर्णा यादव को ऐसा दर्जा अभी तक नहीं मिला है जी। और अपर्णा यादव के साथ उन्होंने वो लड़ाई को दिलचस्प बनाना चाहते थे, या फिर ये सोचना चाहते होंगे कि अगर अपर्णा को उतारते हैं तो इस तरीके से माहौल जो है वो परिवारों के बीच में एक खटास का बन सकता है और यहाँ पर बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है जी। देखिए अपर्णा ने साफ कहा कि किसी भी सीट का उतारे 80 सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं एक सीट को छोड़कर किसी भी सीट पर लड़ने को तैयार हूँ, बीजेपी हमें। तो क्या अपर्णा यादव की वापसी अब समाजवादी पार्टी में लगभग तय है, क्योंकि जिस तरीके से सुखपाल सिंह यादव लगातार इस कवायद में जुटे हुए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान से ही लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। खास तौर पर देखा जाए तो परिणाम आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े उलटफेर के आसार नजर आ रही है। अपर्णा यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत करती है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है इस उम्मीद में कि शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें अहम जिम्मेदारियों से नवाजेगी और कहीं ना कहीं उनको मंत्रालयों में जगह मिलेगा, टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने को। लेकिन अपर्णा यादव के तमाम उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, न ही विधानसभा चुनाव में और न ही लोकसभा चुनाव में उन्हें मौका दिया जाता है। कई मौकों पर अपर्णा यादव इस बात को कह चुकी हैं कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हूं, मैं अमेठी से लड़ सकती हूं, मैं कैसरगंज से लड़ सकती हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी उनको टिकट नहीं दिया। इसको लेकर के योगी सरकार से भी उन्होंने मुलाकात की, सीएम योगी से भी मुलाकात करती है, जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आता है। अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त वापसी की है, इसको देखते हुए क्या अपर्णा यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम अमन सर के साथ। सर, जिस तरीके से देखें तो अब कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी और इतना ही नहीं, उनको कहीं ना कहीं टिकट भी मिलता हुआ नजर आएगा, खासतौर पर देखा जाए उपचुनाव से पहले या फिर कहीं ना कहीं साल 2027 के विधानसभा चुनाव तक। तो क्या अब अपर्णा यादव मजबूर होती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर हम अपर्णा की बात करें तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी के अंदर जो उनकी इज्जत और आवभगत होनी चाहिए थी, जिस तरह से सम्मान होना चाहिए था, वो कहीं नजर नहीं आता। यही वजह है बारंबार ये बात कही जा रही है कि भाई अगर 2-2.5 साल के अंदर बीजेपी ने अपर्णा यादव को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई, कोई भी उनको मान सम्मान नहीं दिया, तो फिर वहां रहने का फायदा क्या? आप देखिए 2022 में वो बीजेपी में शामिल होती है, ना विधानसभा में उनको उतारा जाता है, ना लोकसभा चुनाव में कहीं कोई उनको सीट मिलती है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है वहां पर भी जगह नहीं मिलती, बीजेपी में कोई पद बड़ा नहीं मिलता। तो ऐसे में क्या सिर्फ उनको जो है सिर्फ नाम के लिए, नाम मात्र के लिए उनको पार्टी में शामिल किया गया? ये अपने आप में सवाल उठते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए बातें होती तब भी अपर्णा यादव का नाम सामने नहीं आता। तो कई ऐसी वजह है, कई ऐसे कारण है जहां पर ये लगता है कि अपर्णा यादव के लिए शायद बीजेपी ने अपनी कोई रणनीति बनाई नहीं, बीजेपी ने कोई अपना फैसला किया नहीं उनको लेकर। यही वजह है कि अब तक जो कह सकते हैं कि दर्जा मिलना चाहिए था अपर्णा यादव को, वैसा दर्जा अभी तक नहीं मिला है। और इसी सब चीजों को देखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के अंदर उनकी वापसी होती हुई नजर आ जाए, क्योंकि इसके कई कारण भी। अगर सिराज हम देखें कि शिवराज सिंह जो शिवपाल सिंह के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, शिवपाल यादव के साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनकी मानी जाती है, और ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है उसको बहुत अच्छे से वो निभाते हैं। और यही वजह है कि मुलायम सिंह के बाद अगर परिवार का कोई लेकर चलने वाला कोई शख्स है तो वो शिवपाल यादव नजर आते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि इस बॉन्डिंग के सहारे आने वाले दिनों में वो अपर्णा की जो वापसी है वो समाजवादी पार्टी में कराते हुए नजर आ जाए, क्योंकि देखिए अगर वो सपा में वापस लौटती है तो उनके लिए न सिर्फ इज्जत होगी बल्कि उनको मान सम्मान मिलेगा, और इसके अलावा चुनाव लड़ती हुई शायद हो सकता है उपचुनाव में ना जाए। आपने सही कहा, 27 में चुनाव में वो लड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए एकदम से किसी को कोई सीट नहीं मिलती, उसके पूरा माहौल बनाना पड़ता है। लेकिन बीजेपी के अंदर इस तरह से माहौल उनका नहीं बना है जैसा बनना चाहिए था, इस तरह से उनको मान सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, और बारंबार वो बड़े नेताओं के साथ में नजर तो आती है, चाहे योगी के साथ में बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह के साथ में बात करें, और भी तमाम नेताओं के साथ में बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी उनको तरजीह नहीं दी जाती है। तो जाहिर बात है कि जब बार-बार उनको अनदेखा किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में वो अपनी राह को अलग कर सकती है, और सपा में उनकी वापसी नजर, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में उनकी वापसी नजर होती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की वापसी देखी जा सकती है। खासतौर पर सर, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान
शिवपाल सिंह यादव का वह बयान कि अपर्णा यादव का अपमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, और ये सिर्फ अपर्णा यादव का अपमान नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है, तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव इस बात के संकेत दे रहे थे कि हाँ आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, ये कहीं ना कहीं संकेत। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अपर्णा यादव से जब सवाल किया गया कि क्या आप मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो क्या ये जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम समीकरण है, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अपर्णा यादव खुद चाहती है कि मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ूं, और शिवपाल सिंह यादव खुद चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं वापसी करें। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने खुद केंद्र की राजनीति पर फोकस करने का निर्णय लिया, ऐसे में जो सपा की बागडोर है वो शिवपाल सिंह यादव निभाते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है वास्तव में बात सही है कि जो सम्मान मान होना चाहिए तो उनको सपा भाजपा के अंदर वैसा नजर नहीं आया। और देखिए जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में अगर अपर्णा की वापसी होती भी है तो इनका परिवार है, उनका घर है, और जाहिर बात है कि परिवार को लेकर हमेशा से वो अडिग रही है। आप देखिए मैनपुरी को लेकर जब शुरुआत में भी जब डिम्पल यादव उतरी थी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, उस समय भी अपर्णा यादव से कहा गया था कि भाई आप मैनपुरी में जाइए, वहां पर हम जो है यादव परिवार की बहुओं के बीच में मुकाबला देखना चाहते हैं। लेकिन वो तब भी राजी नहीं हुई। इस बार भी कहा गया कि भाई मैनपुरी में जाइए। तो ऐसे में अपर्णा यादव का जो स्टेटमेंट था बड़ा गौर करने लायक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि चाहे मुझे आप रायबरेली जैसी जगह से उतारिए जहां से सबसे अधिक मजबूत कांग्रेस पार्टी है, मैं वहां से भी लड़ जाऊंगी, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ यानी कि जो मैनपुरी की सीट है उसके ऊपर चुनाव लड़ने के लिए नहीं जाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरह बीजेपी उनको उनके परिवार के खिलाफ उतारना चाहती है। लेकिन अपर्णा यादव एक पल को भी ये मानने को राजी नहीं है, ये बात को आगे बढ़ाने को राजी नहीं है कि वो अपने परिवार के खिलाफ किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर बीजेपी का जो कह सकते हैं कि जो मंशा है उसके ऊपर काम करने वाली हो सकती है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि मैं अपने परिवार के खिलाफ जो है नहीं जाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो ये योजना है अपर्णा को लेकर कि उनके परिवार के सदस्य के खिलाफ चुनाव लड़वा जाए ताकि जो गढ़ है वहाँ पर से बिल्कुल बीजेपी का हमेशा से ये बात रही है कि किस तरह से मैनपुरी को जीता जाए, क्योंकि मोदी लहर के बावजूद भी तमाम बड़े नेताओं के वहाँ पर प्रचार प्रसार के बावजूद भी अभी तक मैनपुरी की सीट बीजेपी के लिए जीतना महज ख्वाब बना हुआ है। अभी भी सपनों में ही उनको जीतती हुई नजर आती है मैनपुरी की सीट। मुलायम सिंह यादव का गढ़ है जी बिल्कुल, यही वजह है कि अपर्णा यादव को उतार कर कहीं ना कहीं वो लड़ाई को दिलचस्प बनाना चाहते थे, या फिर ये सोचना चाहते होंगे कि अगर अपर्णा को उतारते हैं तो एक तरीके से माहौल जो है वो परिवारों के बीच में एक खटास का बन सकता है और यहाँ पर बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। देखिए अपर्णा ने साफ कहा कि किसी भी सीट से आप उतारिए, 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं एक सीट को छोड़कर किसी भी सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। लेकिन बीजेपी हमेशा ये कोशिश कर रही है किसी तरह से मैनपुरी में उतारा जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जाने को अपर्णा यादव बिल्कुल भी सही नहीं मानती है, बिल्कुल भी उसके ऊपर राजी नहीं है। इसीलिए अपर्णा यादव को बीजेपी के अंदर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब जिस तरीके से जो समीकरण बढ़ रहे हैं कि करहल सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति पर फोकस करने का निर्णय लिया है, यह भी समाजवादी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, इसको लेकर लगातार कांग्रेस के पास जो है कांग्रेस के समक्ष जो लगातार मांगे रख रहे हैं सीटों की मांगे, खासतौर पर देखा जाए झारखंड चुनाव, बिहार चुनाव, या हम फिर बात करें महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की कमान कहीं ना कहीं शिवपाल यादव संभालते हुए नजर आ सकते हैं। तो क्या शिवपाल सिंह यादव अब कहीं ना कहीं एक अहम किरदार निभा सकते हैं इन तमाम गठबंधन के दौर में? जाहिर बात है मैंने शुरू में आपसे कहा कि शिवपाल यादव परिवार के बड़े हैं और जाहिर बात है कि अखिलेश यादव का कदम कदम पे वो साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए उनके पिता के जाने के बाद शिवपाल यादव ने एक बड़े के तौर पर पिता उनके पिता तुल्य के तौर पर उनकी जो है उनकी कह सकते हैं हर कदम पे निगेबानी की है, उनको हर कदम पे आगे बढ़ने के लिए पुश किया है और तमाम जो राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर जो चीजें होती है उनको संभालने का काम किया है। और यही वजह आप देखिए जब चाचा भतीजी जोड़ी मिलती है तो यहाँ पर 37 सीटें सपा जीती हुई नजर आती है। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो जाहिर बात है कि जब परिवार साथ में मिलता है, सोच साथ में मिलती है तो रिजल्ट बेहतर आते हैं। हो सकता है अनवल दिनों में अपर्णा यादव को अखिलेश यादव मौका दे सकते हैं क्या? जाहिर बात है कि शिवपाल यादव रिकमेंड करेंगे। और देखिए दूसरी बड़ी बात की मैंने शुरू में भी कहा कि ये उनके परिवार का मसला, परिवार के तौर पर भी देखा जाए तो अगर अपर्णा यादव अगर अखिलेश के पास में आकर वो कुछ भी बोलती है कि भैया मैं वापस आना चाहती हूँ पार्टी में तो अखिलेश यादव मना नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर बात है कि देखिए राजनीतिक से हटकर ज्यादा मामला पारिवारिक है। हो सकता है अनवल दिनों में जब परिवार को जरूर
जरूरत होगी अपर्णा यादव को लगेगा तो जाहिर बात है कि ये हो सकता है वो नजर आएगा और शिवपाल यादव इसमें एक बड़ी और अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई पड़ेंगे। जी बिल्कुल, शिवपाल यादव एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर जरूर आएंगे क्योंकि जिस तरीके से अपर्णा यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, न ही उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया, न ही लोकसभा चुनाव में मौका दिया गया और ऐसे में अपर्णा यादव के चेहरे पर तमाम तरह की बेचैनियां साफ नजर आ रही है। खास तौर पर उन्होंने कहा कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ने को तैयार हूं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव की मजबूरी बनती हुई नजर आ रही है कि एक बार फिर से परिवार की पार्टी में शामिल हो जाए, परिवार के साथ मिलकर चले। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की वापसी हुई है, जिस तरीके से देखा जाए तो देश की तीसरे नंबर की पार्टी और उत्तर प्रदेश की पहली नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। जाहिर सी बात है अपर्णा यादव की वापसी होती है तो तमाम अहम जिम्मेदारी उनको मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।